टाइम हेयर, अभी मैं आया हूँ यहाँ पे दरगाह पे, तो अभी लाइब्रेरी देखेंगे और फिर जो साहब हैं जिनका सारा इंतज़ाम जिन्होंने संभाला हुआ है उनसे गुफ्तगू भी करेंगे और सारी तफसीलात लेंगे। तो अभी चलते हैं अंदर और फिर मुलाकात करते हैं। अच्छा जी, ये है आस्ताना आलिया कादरिया चिश्तिया सुल्तानिया ढोक काजियाँ शरीफ काजी ग़ुलाम मोहिउद्दीन मेमोरियल लाइब्रेरी है और मन जाने बज़्म ग़ुलामान गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला ढोक काजियाँ शरीफ ये है। तो अभी हम अंदर चलते हैं और फिर उसके बाद हम देखते हैं। ये अब हम अंदर आए हैं और मेरे साथ आसिफ भाई भी हैं। ये हमारी गाड़ी भी इधर खड़ी है जिस पे हम आए हैं, ये पार्किंग एरिया। चलें अंदर, तो अभी हम अंदर चलते हैं। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग वेयर एवर यू आर। आई एम वेरी ऑनर्ड, मैं मेरे लिए बड़े इज्जत और कह लीजिए एजाज़ की बात है कि आज मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जिसका मुझे पहले से बिल्कुल इलम नहीं था और बहुत सारे लोगों को नहीं पता, मुझे से भी हैं मार्केट में। तो मैं हूँ जनाब इस वक्त काजी ग़ुलाम मोहिउद्दीन मेमोरियल लाइब्रेरी जो ज़ेर सरपरस्ती हजूर काजी मोहम्मद रईस अहमद कादरी रहमतुल्लाह ताला की ज़ेर परस्ती डेवलप हुई। और ये है जनाब आस्ताना आलिया ढोक काजियाँ शरीफ दाखली तख्त पड़ी नज़द रवात तहसील और ज़िला रावलपिंडी। तो मैं यहाँ आसिम भाई के साथ आया हूँ। आसिम भी आसिफ आसिफ हाँ सॉरी वो साथ ही बैठे हुए हैं ना तो मैं भूल गया। तो अभी मैं आया हूँ तो अभी हम एंटर हुए हैं, पानी पिए नमाज़ पढ़ी और फिर लंगर सबसे पहले हमने खाया और लंगर खाने के बाद तबीयत हशाश बशाश हो गई है, रास्ते की सारी थकावट थी दूर हो गई है। उसके बाद फिर हम काजी मोहम्मद इमरान कादरी साहब की खिदमत में हाज़िर हुए। तो इनसे मैंने कहा कि इससे पहले कि हम लाइब्रेरी विज़िट करें, मुझसे आसिफ भाई ने ज़िक्र किया था कि आपको एक लाइब्रेरी दिखाते हैं जो बड़ी नायाब है और बड़े कम लोगों को उसका पता है। तो किताबों के ज़ौक और शौक़ में हम भी इधर आ गए उनके साथ आज। तो यहाँ के हैरानी ये हुई कि लाइब्रेरी में किताबों के साथ साथ तारीख़ी कलमी नुस्खे भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आजकल जो इनका इंतज़ाम है सारा लाइब्रेरी का, हज़रत काजी मोहम्मद रईस अहमद कादरी रहमतुल्लाह ताला के पर्दा फरमाने के बाद उनका सारा इंतज़ाम काजी मोहम्मद इमरान कादरी साहब के ज़िम्मे है। मैं आपको इमरान भाई कह के मुखातिब करूँगा। तो मैंने कहा पहले मैं इंटरव्यू रिकॉर्ड करके ख़ुद भी कुछ मालूम ले लूँ कि मैं कहाँ पर बैठा हूँ, इस जगह की हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस क्या है। रूहानी बरकत और तबरुक से तो हमने फैज़ियाब हो लिया, थोड़ा सा मैं चाह रहा था नॉलेज में भी इजाफा हो जाए। तो काजी भाई सबसे पहले तो ये बताए ना कि हम यहाँ पे जब बैठे हुए हैं जिस जगह पे, तो बेशुमार नस्बतों के हवाले से गुफ्तगू हो सकती है। एक तो लाइब्रेरी की इम्पोर्टेंस है, फिर उसके बाद हज़रत काजी मोहम्मद रईस अहमद कादरी रहमतुल्लाह ताला की शख्सियत का तारुफ़ और नस्बत और बरकत है, रूहानी फयूज़ात हैं। फिर दाखली तख्त पड़ी का एक अपना, जहाँ बुज़ुर्ग क़याम करें उस जगह को अपना एक एजाज़ और नस्बत हासिल हो जाती है। तो मैं चाह रहा था हमें कुछ बुनियादी ऐसी बातें जो बहुत सारे लोग हैं जिनको बिल्कुल नहीं पता मेरे जैसे, तो कोई इब्तदा से बिस्मिल्लाह करें फिर हम गुफ्तगू में से जैसे सवाल निकलते जाएंगे। तो कुछ बुनियादी बातें बैकग्राउंड बताइए कि इस हवाले से कि क्या इसकी रूहानी और इल्मी और फ़िक्री नस्बत के पहलू जो हैं तारीखी। और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अच्छा आपका सवाल जो है वो काफ़ी लंबा है तो उसको मैं अब मैंने काफ़ी सवाल काफ़ी सवाल जो है वो एक ही सवाल में आपने जम कर दिया। तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि जिस तरह का आपका सवाल है मैं उसका जवाब भी दे पाऊं। बेतुकल्लुफाना कन्वर्सेशन है, ये इंटरव्यू नहीं है, ये गुफ्तगू है। तो हमारी आपस की गुफ्तगू से मैं भी सीख रहा हूँ और सुनने वाले भी देखने वाले भी सीख रहे हैं। असल बेसिकली जो हमारी काजी फैमिली है तख्तपड़ी में, तख्तपड़ी एक शहर की हैसियत रखता था मुगलिया दौर में, तो एक पाया तख्त जिसको आप कहते हैं इस तरह। तो यहाँ पे हमारी फैमिली में जो एक मुगलिया दौर में जैसे चीफ जस्टिस होते हैं इस तरह काजी अल-क़ज़ात का ओहदा दिया जाता था, तो जो लोग वहाँ के इलाके के मामलात को और
लोगों के दरमियान कोई तनाज़े हैं तो उनको सॉर्ट आउट करते थे और अमन की सूरत हाल को देखते थे। तो काजी अल कज़ा चीफ जस्टिस के चीफ जस्टिस के तौर पे, तो हमारे जो पहली हमारी फैमिली के जो बुज़ुर्ग थे वो काजी हिदायतुल्ला साहब थे, जिनको तख्तपड़ी काजी अल कज़ात के अहदे पे उनको तैनात किया गया था। और काजी हिदायतुल्ला साहब के हवाले से ये है कि आपके सीना पर जो है वो कलमा शरीफ पैदाइशी तौर पर लिखा हुआ था। अच्छा माशाल्लाह। तो माशाल्लाह। उसके बाद नस्ल दर नस्ल फिर आगे हमारा यहाँ पे मतलब क़याम भी रहा, फिर एक दफ़ा तख्तपड़ी में से काजी ख़ानदान गैर आबाद हुआ, फिर कुछ अरसे बाद जिस जगह आप बैठे हैं तो काजियाँ शरीफ, यहाँ पर हमारे बड़े बुज़ुर्ग जो थे अराजी शरीफ से जो कि कलर रोड पे वाक़िया है, वहाँ से हिजरत करके यहाँ पर आए इमामत के फ़राइज़ सर अंजाम देने के लिए। तो उसके बाद फिर नस्ल दर नस्ल हम यहाँ पे क़याम पज़ीर हो गए। तो हमारे बुज़ुर्गों को एक एजाज़ हासिल था कि वो जो अभी भी जारी है उसी तरह कि टाइफाइड के मरीज़ जो आते थे आप उनको पानी दम करके दिया करते थे और एक तावीज़ दिया करते थे, तो अल्लाह ताला के हुक्म से उनको शफा वो लोग शफा याब होते थे। यही वजह हमारी वजह शोहरत भी बना। दीगर जो जितने भी हमारे बुज़ुर्ग हज़रात थे, जितनी भी हस्तियाँ थीं, नस्ल दर नस्ल हमने लोगों से सुना, जिन लोगों ने उनके साथ वक्त गुजारा कि वो नहायत तकवा वाले और परहेजगार लोग थे। तो उसके बाद जब हम हमारे आखिरी बुज़ुर्ग जो मेरे चचा जान हैं काजी मोहम्मद रईस अहमद, मैं उनका अडॉप्टेड सन भी हूँ और भतीजा भी हूँ, तो उनके हवाले से तो हमने खैर अपनी ज़िंदगी में उनको देखा और अभी भी बहुत सारे लोग जो आपके सामने मौजूद हैं इन्होंने उनकी ज़िंदगी के एक एक लम्हे को का उनके साथ गुजारा और उनको मुशाहिदा भी किया और उनकी तकवा के हवाले से, परहेजगारी के हवाले से और मतलब आप दीन के हवाले से, मैंने बहुत कम लोग देखे जो बाअमल मुसलमान हुए। माशाल्लाह। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में उनको कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने उनको देखा हो कि वो शरीयत से हट कर कोई काम करें। तो गर्ज़ ये कि अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने इस्लाम के असूलों पे गुजारी और अमली तौर पे एक मुसलमान कैसा होता है, मेरे ख्याल से मैंने अपनी ज़िंदगी में उन जैसा कोई दूसरा देखा नहीं है, आगे का तो मैं कुछ कह नहीं सकता। तो ये जो लाइब्रेरी का सिलसिला है इस तरह से था कि हमारे क़िबला काज़ी रईस साहब मेरे पीर व मुर्शिद भी हैं, तो उनको इस चीज़ का शौक़ था, किताबों का शौक़ हमारे आबाओ अजदाद को शुरू से ही एक इल्मी घराना था और किताबें ना सिर्फ किताबें इकट्ठी किया करते थे, किताब दोस्त लोग थे, बल्कि ऐसा हुआ करता था कि एक वक्त में जब ये प्रिंटिंग प्रेस और दीगर इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी तो इल्म को लोग अपने हाथों से कलमी नुस्खों में महफूज किया करते थे। तो उस दौर से ही हमारे बुज़ुर्ग हज़रात जो थे वो किताबों का किताबों से मोहब्बत, उनकी आज भी उनके कलमी नुस्खे उस मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत दे रहे हैं। तो हमारे जितने भी बुज़ुर्ग हज़रात नस्ल दर नस्ल गुजरे उनके 100 से ज़ायद कलमी नुस्खे हमारे पास अभी भी इस लाइब्रेरी में मौजूद हैं, जिनका आप दीदार भी करेंगे अभी। तो फिर क़िबला काज़ी रईस साहब ने इस लाइब्रेरी की बुनियाद रखी। अच्छा। तो आप की एक मेहनत थी और तकरीबन अगर दौरे आज़र में कोई शख्स ऐसा है जो मुल्क से बाहर है, बैरून मुल्क आपको कॉल करता है तो कोई पूछता है कि मैं आपके लिए क्या लूँ, तो हमारी 100 ज़रूरियात होती हैं, लेकिन काजी साहब को जब भी कोई अहबाब या दोस्त फ़ोन करते थे तो आपकी जो डिमांड होती थी वो किताब ही होती थी। और हमने अपनी पूरी ज़िंदगी में उनका जुनून की हद तक शौक और किताबों से लगाव देखा। माशाल्लाह। तो वो चीज़ शायद मेरे बताने से ज़्यादा ये लाइब्रेरी उनकी उस जुनून की, उस मोहब्बत की मिसाल आपको ये लाइब्रेरी ज़ाहरी शक्ल में मौजूद है। काजी साहब अपनी पूरी ज़िंदगी में अगर उन्हें पता लग गया, बल्कि प्रोफेसर आसिफ साहब उनको देखते रहे, इन्होंने भी उनके साथ बड़ा वक्त गुजारा, इनको ज़ियारत का शर्फ भी, ज़ियारत का शर्फ भी और मुलाकातें भी हुई, तो काजी साहब को
अगर किताब के लिए अगर उन्हें पता लगता है कि पेशावर में फलां कुतुब खाने में ये किताब मौजूद है तो वो पेशावर चले जाया करते थे। हालांकि उनकी काफ़ी आखिरी उम्र के हिस्से में काफ़ी हलालत और सेहत ख़राब थी, इसके बावजूद जब किताब की बात आती तो वो इस हवाले से कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे। तो वो फिर बावजूद सेहत की खराबी के वो निकल पड़ते थे। और तकरीबन यहाँ पे हमारी लाइब्रेरी में सादा सा इंट्रो में अगर आपको दूँ लाइब्रेरी का, तो हम लोग इस लाइब्रेरी में तमाम दीन इस्लाम पर जो काम हुआ है कता नज़र इससे कि एक किसी ख़ास मुकातब फ़िक्र का काम इकट्ठा किया गया हो, दीन इस्लाम पर जो काम हुआ है ओवरऑल वो सारा काम उन्होंने एक जगह पर इकट्ठा किया, ठीक है, उसको फिर सेक्शन वाइज डिवाइड किया, जैसे तफसीर ईसाई अरबी, फिर तफसीर ईसाई उर्दू, उसके बाद सीरत, उसके बाद अदब, उसके बाद तसव्वुफ, हदीस और तारीख, रसाइल, गर्ज़ के कोई ऐसा शोबा नहीं के जिसमें जो इस लाइब्रेरी में जिस पे किताब मौजूद ना हो, बल्कि एक किताब नहीं बहुत सारी किताबें मौजूद ना हो। तो काई साहब अपनी ज़िंदगी के आखिरी जो एक दो साल हैं उसमें उन्होंने फिर इस चीज़ को इसमें बड़ी मेहनत की, दिन रात मेहनत करके हर चीज़ को प्रॉपरली उसको लाइन अप किया, तो लाइन अप करके तो बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने इस लाइब्रेरी को मुकम्मल किया कि जिस तरह कोई शख्स पहले से जानता हो कि मैंने मेरा अब टाइम इस दुनिया से कम रह गया या ख़त्म हो गया तो मैं इस चीज़ को मुकम्मल करके जाऊँ। तो इस तरीके से उनकी एक मोहब्बत है तो जिसकी अल्फाज में शायद अदायगी मुमकिन ना होगी, लेकिन जब आप अमली तौर पर इस लाइब्रेरी में कदम रखते हैं आप उनके शौक को, उनकी मेहनत को, उनकी मोहब्बत को या किताबों के साथ उनके लगाव को देखते हैं तो वो बड़ी वाज़ेह तौर पे आपको उनकी जो मोहब्बत है किताबों से वो नज़र आती है। मैं देख रहा था सरसरी तौर पे, अभी हम विज़िट भी करेंगे लाइब्रेरी को, कि इतनी जामे और शानदार लाइब्रेरी, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ जो तमाम तर वसाइल भी रखती हैं और ज़राए भी उनके पास मौजूद हैं, वो इतना काम क्रिएट नहीं कर सकी। बल्कि कभी ऐसा भी हुआ कि लाइब्रेरीज में हमारा अक्सर आना जाना भी होता था तो जो सरकारी इदारे होते हैं वो सिर्फ कमरों को भरने का एक फॉर्मेलिटी करनी है कि हमने लाइब्रेरी बना दी है, तो जो सिलेक्टिव नॉलेज है ना इसके हवाले से शायद ही किसी जगह कोई मतलब हो कि जो किसी एक जगह पे सिलेक्टिव नॉलेज को कंबाइन करे। तो काई साहब की एक आदत थी कि जो भी चीज़ें मुस्तनद किताबें होती थी वो उन तमाम को इकट्ठा करते थे, और ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि हमारे पास बैरूत के, लबनान के, जहाँ भी गर्ज के दुनिया के किसी भी मुल्क में दीन इस्लाम पे जो काम हुआ आप इकट्ठा किया करते थे। इंग्लिश लिटरेचर के, इस्लाम के वाले से जो इंग्लिश लिटरेचर का काम हुआ और स्पेशली जो गैर मुस्लिम हजरात थे उन्होंने जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे, आपके किरदार पे जो किताबें लिखी तो वो भी आपने इकट्ठी की। बिल्कुल, मैं अक्सर एक सवाल किया करता था, इसका जिक्र चलें आज कर देते हैं। मैंने कहा साहब से पूछा, मैंने कहा जी ये तो एक ईसाई है तो उन्होंने ये किताब लिखी है तो आप इसको भी ले रहे हैं, तो इसको अगर हम ना भी लें तो इतनी कोई ज़रूरी नहीं है। तो मेरे ख्याल से हम सईद बुक बैंक पे खड़े थे इस्लामाबाद, तो कई साहब फरमाते हैं कि हर जो बेटा होता है ना वो अपने बाप की तारीफ करता है और उसको खुशी होती है, इसी तरह अपने पैगंबर की जब मुसलमान तारीफ करते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोई जब गैर मुस्लिम शख्स है तो वो कलम तारीफ के लिए कभी नहीं उठाता, पहले वो कलम उठाता तनकीद के लिए, लेकिन जब वो बगौर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुशाहिदा करता है, स्टडी करता है, तो उसको कोई ऐसा पहलू नहीं मिलता कि जिस पे तनकीद की जा सकती हो। तो वो जब उसकी नीयत अच्छी हो, बिल्कुल वो उसकी नीयत अच्छी हो, और वो फिर एक ऐसा वक्त आता है कि अल्लाह उसको कहता है कि नहीं ये अस्थि जो है ये तनकीद के लिए नहीं है, ये तारीफ के लिए, तो फिर वो शख्स जो है वो
आपकी तारीफ लिखता है, तो इस तारीफ की अथेंटिकेशन हमारे लिखे हुए से बहुत ज्यादा अफजल है, तो इसलिए इसका होना ज्यादा मायने रखता है, बजाय इसके कि हम अपने जो अपने अलूम है, अपनी किताबें हैं या अपने हजरात की लिखी हुई है वो इकट्ठी करते हैं, वो उनका अपने मामला एक फ्रेश पर्सपेक्टिव आ जाता है ना मार्केट में, तो वो एक आप इस हद तक भी उनका मतलब चीज़ों पे उनका नज़र होती थी और सिलेक्शन उनकी कमाल की होती थी, किताब के हवाले से किताब को चुनना, किताब की सिलेक्शन करना, फिर किताब जो यहाँ से नहीं मिल रही वो बैरून मुल्क से भी इम्पोर्ट करवा लेते थे, किसी दोस्त अहबाब को कह के गर्ज़ के अगर उन्हें किसी किताब का पता लग गया तो फिर उनकी ज़िंदगी का मकसद ये होता था कि मैंने ये किताब हासिल करनी है। हम ये कह सकते हैं कि बज़ाहिर देखने में तो ये लगता था ना जैसे आप किताब की तलाश में हो, मगर निज़ाम अल्लाह ने ऐसा बनाया कि किताब छपने के बाद कहती थी मैंने उधर जाना पहले जाना है। बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही है, और अल्लाह उनके लिए असबाब भी पैदा करता था, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी जो नामुमकिन होती थी। हमारे पास एक किताब ऐसी भी है, मैं आपको दिखाऊँगा, जो किताब तलाश करने में 3 साल लगे, अच्छा, लेकिन गाई साहब की तलाश जारी रही और वो काफ़ी कॉस्टली भी थी और पाकिस्तान में वो 2 से 3 हजरात के पास वो किताब है, अच्छा, तो तारीख की किताब है, लेकिन गाई साहब को जुनून की हद तक शौक होता था और वो फिर उस जुनून की हद तक ही कोशिश भी करते थे, तो अल्लाह ताला फिर उनकी कोशिश में बरकत भी डालता था, तो अल्लाह से है ना कि जब अल्लाह पाक अपने जब अल्लाह के किसी बंदे के दिल में कोई ख्वाहिश पैदा हो तो सारी कायनात का निज़ाम फिर उसकी ख्वाहिश की तकमील पे लग जाता है, तकमील पे लग बिल्कुल जराए ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो हम यह अब यह है कि हम थोड़ा सा मैंने सोचा गुफ्तगू हो जाए। अच्छा ये बताइए अभी ये पर्दा कब फरमाया आपने? कैसे आपने पर्दा फरमाया रिसेंटली 1 दिसंबर 2015। अच्छा ठीक है, 2015 को 62 साल की उम्र में आपने पर्दा फरमाया 1 दिसंबर 2015। और अक्सर काई साहब कहते थे कि अदब का तकाजा और मेरी ख्वाहिश यह है कि मेरी उम्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र से ज़्यादा ना हो, तो 63 साल वो 62 साल की उम्र में आपने माशाल्लाह। और जब हयात थे तो मुझे आसिफ भाई बता रहे थे जॉब कहीं वो करते थे जी, काई साहब कमिश्नर ऑफिस में, अच्छा, एज सीनियर सुपरिटेंडेंट एस्टेब्लिशमेंट, रिटायरमेंट हुई है आपकी, अच्छा माशाल्लाह, तो आप कमिश्नर ऑफिस में जॉब करते थे, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनके बारे में शायद मैं बोलूं तो वो आप ये कह सकते हैं कि मेरा बोलना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन आप वहाँ पर जाकर या उन हजरात से जिन लोगों ने उनके साथ काम किया या वक्त गुजारा तो उनके किरदार के वाले से उनसे आप बेहतर रहनुमाई ले सकते हैं। मेरा एक अपना एक ख्याल है वो आपको सामने मैं पेश करता हूँ, आप इसकी तस्दीक फरमाइएगा। जिस किसी को मैं समझता हूँ पीरी का मनसब मिले ना वो फिर अपनी गद्दी पे बैठता है, जिसको पीरी के साथ साथ फ़कीरी भी मिल जाए वो फिर पब्लिक सर्वेंट की किसी पोजीशन पे बैठता है ताकि दुनिया के जो काम है पर्दे में भी रहें और पर्दे से हट के भी रहें, दोनों पोजीशनें मिल जाती हैं। बिल्कुल ऐसे, तो मेरे ख्याल में जो मैंने अभी तक देखा है मेरे ख्याल में वो पीर भी थे और फ़कीर भी थे। बिल्कुल ऐसे। तो आप भाई जान इधर आए ना, मैंने कहा आपको आसिफ भाई की ज़्यारत करा दूँ जो इधर लेके आए ताकि आप इनका भी शुक्रिया अदा करें, ठीक है जी। इनको आपने देखा होगा, इनका मैंने इंटरव्यू किया था किस वाले में भाई दुरूद शरीफ की किताब के हवाले से, तो इनका इनसे रब्ता था इमरान भाई से, तो मैं इनसे कतन इनको नहीं जानता था, अब आपको वसीला बता रहा हूँ जी। जी मैंने किताब पकड़ी बुक शॉप से ख़रीदी तो पसंद आई तो उस पर नंबर इनका लिखा हुआ था, तो मैंने कहा जी आपसे मिलना है, इनसे मुलाकात हुई, इनका इंटरव्यू किया। मैं इंटरव्यू करता हूँ अपने जौक और चस्के के लिए, जब मेरी बैटरी वीक हो जाए ना तो मैं इंटरव्यू लगा के बातें सुनता मेरी बैटरी चार्ज हो जाती। बिल्कुल, तो इनसे मेरी बैटरी चार्ज हुई, इनकी मेरे ख़राब से हुई होगी तो हम दोनों अब अपनी बैटरियाँ चार्ज कराने आए। तो मैं बता रहा हूँ बुज़ुर्गों की बारगाह में हाज़िरी का निज़ाम अपना अलहदा होता है, अगर बुज़ुर्गों की तरफ से इजाज़त ना हो तो घर से बंदा कदम नहीं निकाल सकता, उधर की डायरेक्शन ही नसीब नहीं होती। बिल्कुल, जिस तरह मदीना पाक हर एक का दिल करता है कि जाए,
उधर फाइल में अप्रूवल ना हो तो इधर से तैयारी शुरू नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही बुजुर्गों का होता है कि मदीना पाक के नुमाइंदे जहाँ जहाँ बैठे हुए हैं, अगर उधर से इजाज़त ना हो तो फिर उनकी तरफ रास्ता भी नहीं होता। नहीं। तो आज हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था कि हम इधर आएंगे। बस मैं समझता हूँ हजरत की जी। हाँ, तो बस हम यहाँ तक पहुँचे कैसे, वो एक अलहदा से मज़े की कहानी है। बट मैं समझता हूँ कि कह लीजिए आपकी कि हम आए नहीं हैं, भेजे गए हैं या बुलाए गए हैं। बुलाए गए, ठीक है जी। हमारे बुज़ुर्ग जाने और हज़रत क़िबला काजी साहब जाने, तो हम तो बच्चे हैं इनके, तो आ गए, हाज़िर हो गए। अब ये थोड़ा सा एक तारुफ था, तो अब हम क्या करते हैं कि आप हमें लाइब्रेरी का विज़िट करा दें। पहले मैं चाहूँगा कलमी नुस्खों की तरफ चले जाएँ। जी बेहतर है, आप कलमी नुस्खों से शुरू करें तो फिर आगे। फिर हम आगे चलें, बस हम चलते हैं अंदर, पहले कलमी नुस्खे देख लें। चलें जी, बिस्मिल्लाह करें। बरकत से वो भी आ जाएगी। आ जाए भाई जान। अब हम चलते हैं नुस्खों वाले सेक्शन में। यूसुफ की किताबें लेके गए थे अपने हाफिज इफ्तिखार साहब। अच्छा, मेरे ख्याल से उनमें वो भी ले गए होंगे। अच्छा, मैं इनकी ये हैं जी, मुर्शद पाक काजी रईस अहमद कादरी साहब, जिनका भी जिक्र खैर हो रहा था, तो आप इनकी ज्यारत भी कर लीजिए। वो मैं वीडियो में ऐड भी कर दूंगा, मैंने कभी ये लगी हुई तो ज्यारत कर लें। अच्छा जी, ये सूरह रहमान तस्वीर वगैरह भी है। अच्छा जी, माशाल्लाह। क्योंकि मसला होता है ज़ुबान का। जी 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 जी, तो इस वजह से हर किताब के शुरू में अच्छा उसका तारुफ लिखा हुआ, उसका तारुफ, किताब किस मौजू पे है। या अब्दुल हई लखवी की तसनीफ़ लतीफ़ है जो कि फ़िका कज़ीम शराका। इस मखतूता की फहरिस्त मजामीन से कबल तकरीबन 5 सफ़ात पर मुख्तलिफ़ नुस्खा जात बज़बान फ़ारसी, चंद फ़िकी मसाइल और अहादीस दर्ज हैं। अच्छा जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसको खोल के भी ज़रा इसकी दिखाइएगा। जी बिल्कुल। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, एक चीज़ देखिएगा, आजकल के जो पब्लिशर हैं ना, ऑथर्स, हमारे बुज़ुर्ग जब लिखते थे ना तो फॉर्मेटिंग का, फ़ॉन्ट का, डिज़ाइन का ये बड़ा ख्याल रखते थे, किताब के अंदर हाशिया लिखना सारी चीज़ें। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। तो इनको डिस्प्ले करने का भी आप प्लान है जब एक्सपेंशन होगी लाइब्रेरी की? जी इंशाल्लाह, हमारा इनको डिस्प्ले करने का भी प्लान है। अच्छा जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह। और ये सफ़े आप देखें, कागज़ कितना उम्दा होता था, कि कितना अर्सा हो गया, मगर अभी भी ये इन्होंने होल्ड किया हुआ है स्याही को भी और इबारतों को भी। इसी तरह और मैं आपको बता दूँ, यह जी शरतुल इस्लाम जी, जी इमाम मोहम्मद बिन अबी बकर, बड़ी काम की किताब है, काजी अहमद। ये किस सन की है? 1066 हिजरी की। अच्छा, वाह। ये हमारे काजी अहमद साहब, हमारे जो परदादा। जी जी, ये जो चीफ जस्टिस के अहदे पे थे वो? नहीं, वो नहीं। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद। अच्छा, अच्छा, शरा सादिया, शरा खलासे केदानी केलानी केलानी केलानी। अच्छा, 94 सफ़ात पर मुश्तमिल है। फ़िकी शाहकार शरा अरबी ज़बान में, खुलासा केदानी, खुलासा केदानी। हर सफ़ा की 13 सतूर हैं जबकि हर सतर में तकरीबन 10 अल्फाज हैं। अच्छा, प्रॉपर आपने इसको ना रखा हुआ, ये लाइट साइड पे कर लें तो उसमें थोड़ा सा ना। अच्छा रे माशाल्लाह। ठीक है, लवली। तो नीचे एक किताब जो तस्करा उलिया नेशापुर, ये ज़रा दिखाइएगा। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। वो लाइट बंद कर दें बेशक, वो इस पर, इसमें लाइट इसकी काफ़ी है। हाँ, अच्छा,
निकल्सन का, अच्छा ये तो लेटेस्ट है। ये क्या चीज़ है? ये इमाम गज़ाली की किताब है, ये हमारे बुजुर्ग काजी अहमद साहब उनके लिखी हुई है। किस नाम से? और औराद फतिया नहीं ये, जी हाँ औराद फतिया दकायक अखबार दस्ते हाफ़िज़ दिखाई दकायक अख्तियार है ना, मिन तस्नीफ़ शेख अल इस्लाम इमाम गज़ाली हाफिज़ अब्दुलरहीम की दो चीज़ों का, क्योंकि दोबार फतिया तो दूसरे बुजुर्ग हैं तो काजिकस्तान तो साइड पे। ये उसमें अच्छा जी माशाल्लाह जी ये सारे कलमी उसके अच्छा तकरीबन नीट एंड क्लीन पोजीशन में अभी भी मौजूद है। और ये अपना मोस्टली पर्शियन लैंग्वेज, चूँकि इसको दरवाज में ज़्यादा अरबी या पर्शियन, तो इनकी कभी नुमाइश का भी सोचा? नहीं एग्जीबिशन का, अच्छा उस तरह का कभी कोई ऐसा, क्योंकि इनको हवा लगना टेम्परेचर और इस तरह होता है कि इनको साल में कुछ महीने जो है हम बाहर निकालते हैं, इनकी हवा का इस्तेमाल किया जाता है। मैं ब्रिटिश लाइब्रेरी गया लंदन में, तो वहाँ अगर आपने पुरानी किताब निकालनी हो ना तो वो टेम्परेचर देखते हैं, तो उसके मुताबिक अगर वो सूदमंद हो तो फिर निकालते हैं अदरवाइज। ये इस तरह मुख्तलिफ, अच्छा ये रसाइल हैं मुख्तलिफ, अच्छा लवली। तो ये अभी नामुकम्मल किताब थी, ये नुस्खा लिखा गया है फारसी में हिकमत का, अच्छा ठीक मेडिसिन के ऊपर, मेडिसिन के हवाले से, तो जितने हमारे बुजुर्ग थे वो हिकमत का भी काम किया करते थे, तो इसमें कुछ किताबें ऐसी हैं जिसमें हिकमत के भी मामला होते हैं। ठीक तिब्बे नबवी भी एक शोभा है ना, तो उसमें सारे बुजुर्ग उसमें शामिल रहते हैं। अच्छा जी माशाल्लाह। इसी तरह मुख्तलिफ, अब मैं आपको कुछ कलमी मुस्लिम जो दिखा रहा हूँ, बैरलमानी तफसीर पारा है तीसरे पारे, तीसरे और ये किसका लिखा? बैरलमानी तो मारूफ जो मुफसर हैं, ये तफसीर अभी इस पर कोई खासी डिटेल नहीं मौजूद थी कि हमारे कौन से बुजुर्ग हैं उनके हाथों की लिखी हुई है, तो लेकिन ये तीसरे पारे की तफसीर जो है ये मौजूद है। इसका रस्म الخط बड़ा खूबसूरत है, आप देखें आजकल वो कंप्यूटर पे जस्टिफाई करते हैं ना बॉर्डर लाइन सारी, तो हमारे बुजुर्गों का जो किताबत का किसी आशिया के लाइन के सारा सारी चीज़ें बराबर तरतीब के साथ किताबत में भी ये हुसन जो है ना नज़ाकत लताफत सारी चीज़ें उन्होंने रखी हुई हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं समझ गया काफ़ी हो जाएगा अभी हम, इसी तरह मुख्तलिफ वज़ाइफ़ की किताबें, अच्छा माशाल्लाह अरबी मतन, अच्छा
इसमें आजकल जो किताबें आती हैं ना रीडिंग स्किल्स पे, तो आप बुज़ुर्गों के नोट्स लिखने का अंदाज़ है, उसको किताब को पढ़ने का अंदाज़ है सारा। जी जी अब हम चलते हैं। मेरा ख्याल इसको ज़्यादा नहीं हम टच करते हैं, क्योंकि निकालने रखने में भी ख़दशा होता है कि डैमेज ना हो जाए कागज़ इसके। तो ये सारे नुस्खा जात इन दो अलमारियों में मौजूद हैं जी। ठीक है, कलमी नुस्खा जात जो है ये बाहर इस वजह से नहीं रखते कि इनकी हिफाजत, इसको सिर्फ खोल के इसकी इजारत करा दें बस बाहर से सिर्फ अलमारी जी। अच्छा 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 माशाल्लाह। ठीक 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 कलमी कुरान पाक भी उसी देखे माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हम चलते हैं लाइब्रेरी की तरफ, मेरा ख्याल है देख लें। ये किताब कौन सी है सर? अच्छा जी, ये आपकी है। मुझे पता नहीं उसका नेम कौन है। सोच रहा था ये कैसे हो सकता है कि ऐसे ऐसे नहीं। ये मैंने ली थी यासीन से। यासीन से ये ली थी तो अच्छा अच्छा ठीक अच्छा माशाल्लाह। खुशी हुई अगर अपना काम देखे। ये किताबों की शक्ल में ना हर जगह पाया जाता है। खरीदारी हम नहीं करते हैं वो पहले यहाँ पे लग जाती है। स्टिल सिलसिला जारी है जी जी। तो अच्छा। उसको फिर हम यहाँ पे ला के तो फिर कैटेगरी वाइज उन किताबों को आगे फिर शेल्फ्स में रखा अच्छा 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 तो यहाँ से फिर अगला जो शिफ्टिंग के मराइल है वो खरीदारी के बाद पहले किताब लोगों पे थीसिस लिखी गई है। अच्छा, अब्दुल अजीज साहिर अलमा इकबाल यूनिवर्सिटी के हैं। अच्छा, प्रोफेसर है उर्दू के गालिब जी जी। हम चले लाइब्रेरी की तरफ, आप आगे गाइड करें। हाँ जी, ये वहाँ के पास आर्ट्स और साहब दोनों का भी मौजूद है वहाँ जी। ये हमारी लाइब्रेरी में भी है इसी तरह हमारी ये बात है। अच्छा जी, ये है जी ईसाई तफसीर अरबी। अच्छा, और ईसाई तफसीर उर्दू। उर्दू और अरबी की जितनी भी तफसीर हैं जो भी मुस्तनद काम है जी जी, वो तकरीबन ऑलमोस्ट यहाँ पर मौजूद है। मौजूद कुछ तफसीर शेल्फ में और कुछ ऊपर कॉटन्स में हैं। तो कॉटन अच्छा। भी हमने इस तरीके से मतलब लगाए हैं कि आप उनको पढ़ सकते हैं इसके अंदर कौन सी तफसीर है और कौन सी नहीं है। किसी को कोई किताब ज़रूरत हो तो वो फिर उससे इस्तफादा भी कर सके। लवली, ठीक ठीक। तो आप इसको आगे जब चलेंगे जी जी, तो नेक्स्ट कैटेगरी जो अच्छा, बहुत सारी किताबें, ये सिर्फ देखने वाले को मैं बताना चाह रहा हूँ, बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जो भी जगह की तंगी के बायस अभी नहीं है उसमें ना, रैक्स में नहीं रखी हुई। फिर हमने ज़मीन पे ही रखा हुआ है तो सारी लाइन अच्छा जी। हदीस से के बाद हदीस वासुले हदीस है। अच्छा जी माशाल्लाह, जामे कुतुब हदीस वो इन दोनों तरफ में मिल जाएंगी। अच्छा, ये अरबी के सारा है। ये जो बैरूत में जी जी, शाम में, ईरान में या लबनान में किसी भी जगह कोई भी काम हो रहा है जी जी, तो उस वो सारा जो है वो अवेलेबल है। अवेलेबल है, और ये जितने भी छापे हैं ये जेन्युइन बैरूत के हैं। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कभी चीज़ें कॉपी भी होती हैं पाकिस्तान में। एग्जैक्टली ऐसे ही ऐसे ओरिजिनल एडिशन है वहाँ के, ओरिजिनल एडिशन है, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो कॉपी वर्जन हो। ठीक, तो बाकी आप इससे आगे आते हैं हदीस से आगे तो फिर सीरत की इब्तिदा होती है। अच्छा,
सीरत का जो भी जामे काम है वो आपको दोनों साइड पे मिलेगा। अच्छा, तो सीरत पे भी बड़ा वसी जो जखीरा है वो मौजूद है। अब जितना बड़ा आपके पास हॉल है इसमें 6-7 हॉल इस तरह के हों तो तब कहीं जाके किताबें थोड़ा सा प्रॉपर मैनेज हो जाएंगे। और सबसे जो चीज़ मैं देख रहा हूँ जवाहर उल बहार मेरे पास है जी, मगर पुराना एडिशन नहीं मिलता। हाँ जी, ये हाथ का लिखा हुआ वो बड़ा शानदार है, मकतबा हामदिया का था गालिबन जी, बिल्कुल। हाँ वो नहीं मिलते, वो जो नए आए हैं कंप्यूटराइज उस पर फॉर्मेटिंग ख़राब कर दी उन्होंने, मगर पुराने एडिशनों का अपना मज़ा है। और नए में काफ़ी सारी तब्दीलियाँ, और फिर ज़्यादातर जो नए छापे आए उस पर फिर वो जिसको आप टाइपिंग मिस्टेक्स करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो पुराने वर्जन में ऐसा नहीं है। हाँ। आप तफसीर जैसे ही ख़त्म होती है तो फिर इसके बाद अदब, ये सेक्शन सारा अदब का जी, ये सेक्शन अदब का। अच्छा, इसमें भी नीचे देखो जो फुल रो है इसमें अदब और तसव्वुफ है। ओके ठीक है, तो ये तकरीबन 3 हिस्से जो है वो आप अदब के कह सकते हैं, 2 हिस्से इसमें तसव्वुफ का। इसकी तो सिर्फ सादा सी ज़ियारत भी करनी हो ना तो बंदा सुबह आ जाए और 2-3 दिन इधर ही रहे जी, बिल्कुल। उसके बगैर तो इसमें आगे बहुत सारी किताबें जो इस जगह पे अभी मौजूद हैं जी, माशाल्लाह जी, अलजरावल तदील है। फिर जितने भी फतावा हैं जी जी वो सारे आपको यहाँ पर मिलेंगे। ओके ठीक, और अदब तसव्वुफ के बाद फिका व असूल फिका, तो फिकही मसाइल पे जितना भी दीन इस्लाम में काम हुआ और जहाँ जहाँ भी हुआ तो वो सारा आपको एक जगह पे। अच्छा, ये जो पब्लिशर हैं जद्दा में थे जी, बिल्कुल, इनकी बड़ी शानदार तसव्वुफ पे किताबें हैं, दारुल मिनाज वाले। हाँ, इनकी मैं काफ़ी किताबें वहाँ से मैंने ली हुई हैं, इमाम यूसुफ नभानी की इन्होंने काफ़ी शाया की हुई हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, फिका पे भी तकरीबन तमाम ही अरबी उर्दू फारसी जी तमाम जुबानों में जो है वो ज़्यादातर जो किताबों, एक तो है ना जनरल, उन्होंने कोशिश की है हर पहलू इस्लाम का कवर हो जाए, फिर एक अपना ज़ौक भी होता है ज़ाती, तो ज़ाती ज़ौक में ज़्यादा क्या चीज़ गालिब थी। अच्छा, ज़ाती काई साहब से कुछ मेरी एक दो डिस्कशन हुई जब पहले लाइब्रेरी को मैंने इनसे पूछा कि अगर लाइब्रेरी से इस्तेफादा करना हो तो किस तरह किया जाए, तो काई साहब की तरतीब इस तरह थी कि आप फरमाते थे कि आप अदब से शुरू करें और सीरत पे जाएं। वाह, पहले तो अदब हो जाए। हाँ जी, सीरत के बाद आप तसव्वुफ और कुरान पाक की तफासीर को लेके चलें। यानी वो चाह रहे थे पहले तो सीरत से शनासा हो तो आपको कुरान पाक की समझ आएगी। तो आप अगर अदब से शुरू नहीं करते और तफसीर से शुरू कर सकते हैं, कर देते हैं, तो आप मौलवी बन सकते हैं, आलम आलम बन सकते हैं। माशाल्लाह, वो प्रोसीजर था, तो वो इल्मी वाले से स्टडी के वाले से जो मिजाज है, आप जैसे तफसीर जो है पढ़ने वाला वो मिजाजी तौर पे गर्म तबीयत, उस पे जो है वो अल्लाह का कलाम है, मंतक ज्यादा गालिब होती है, मंतक गालिब होती है। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह का एक अपना जलाल है। हाँ जी बिल्कुल, जब आप अल्लाह के कलाम से आशनाई हासिल कर रहे होते हैं, उसको पढ़ रहे होते हैं, तो वो कैफियात भी आप पे तारी होती है, तारी होती हैं। तो फिर उस सूरत में काई साहब जब भी किसी को कोई एडवाइस करते थे पढ़ने के लिए, तो आपकी कोशिश होती थी कि वो अगर एक चीज गर्म मिजाज की दे रहे हैं तो साथ एक चीज जो है ठंडे मिजाज की, या अदब से कोई आपको कोई शायरी की चीज दे देंगे, तो जो आपके वो मिजाज को भी मुतदिल रखती थी, आपकी कैफियत पे भी उसका बोझ नहीं आता था। हाँ, उस तरह। हाँ, तो इस चीज के वाले से उनकी बड़ा एक यानी वो जलाल को संभालने के लिए जमाल का, जमाल की कैफियत को भी साथ लेंगे, तो ये उनका एक स्पेशलिटी थी कि इस चीज में भी वो बड़े माहिर थे कि आपको जो वो गाइडलाइन देते थे और किताबों की सिलेक्शन करके देते थे, तो वो बंदे का मेंटल लेवल देखते थे, फिर उस हिसाब से उसको मतलब जो है
भाई साहब का जो जाती हमने एक फिका से तो उनकी अशनाई इस वजह से रहती थी कि इलाके के लोग मसाइल के लिए आपके पास आते थे, जी, तो आप फिका के वाले से भी उनको काफ़ी स्टडी करना पड़ती थी, लेकिन ज़्यादा उनका जो शौक था या जिस जहाँ तक हमने जाना, जी, हमने जाना जहाँ तक, वहाँ पे आपका ज़्यादा फोकस जो है वो सीरत और तफसीर के, तफसीर उसे और इन दो चीज़ों पे आपको एक कमाल हासिल था। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी कमाल की सीरत है, देखिए आप। हाँ जी, सईद अल वरा उनकी है, काजी अब्दुल दाइम जी, एग्जैक्टली, जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे काजी साहब फॉरेन मिनिस्ट्री में रहे हैं। अच्छा, मैं जद्दा में भी रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, एम्बेसी में रहा हूँ मैं। अच्छा, ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, 2004 से 2009 तक। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, के सामने जो फतह अल बारी और दीगर फतावे जी वो सारे और आपको मौजूद है, तो ये वही ऑथेंटिकेटेड वर्जन है जो बाहर से, मैं समझता हूँ। तो ये सारा काम यहाँ पे मौजूद, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, और फतह अल बारी के जितने भी एडिशन हैं वो तकरीबन सारे मौजूद हैं, सारे हैं माशाल्लाह। इन किताबों का भी पढ़ना भी एक जो जहाँ तक फजीलत है, वहाँ इनका रखना भी बजात है, खुद एक फजीलत है। तो इसके बाद जैसे ही आप आगे आएंगे तो आपको तारीख का चैप्टर मिलेगा, जी सेक्शन मिलेगा। तारीख में इस्लाम की मुकम्मल तारीख, ठीक है जी, इसके अलावा औलिया इकराम की, अहले बैत अतहार की, सहाबा इकराम की जो जिंदगी है उनके हवाले से जो जो भी लिटरेचर है जी वो सारा यहाँ पर तकरीबन मौजूद है। अच्छा, नहीं माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अब तारीख की सबसे मुस्तनद किताब जिसको उलमा-ए-हज़रात बेहतर समझते हैं कि तारीख दमिश्क अल कबीर है। बिल्कुल बिल्कुल, ये 40 जिल्दों की किताब है, ये मुकम्मल मौजूद है। इसके अलावा तारीख मदीनतुद दमिश्क है, तारीख बगदाद है, ये किताबें मौजूद हैं यहाँ पर। तो तारीख के हवाले से जितनी भी मुस्तनद किताबें हैं वो भी सारी आपको तारीख के सेक्शन में मिल जाएंगी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। तारीख के बाद रसायल हैं। अच्छा, ये एहतसाब कादियानियत, ये 50 से ज़ायद बल्कि 60 से ज़ायद जिल्दों पे है, तो ये सारा। अच्छा, लवली जी, ये रद्द कादियानियत पे जो रसाइल हैं वो सारे यहाँ पर मौजूद हैं। ये किन का छपा? मैंने पहली दफ़ा देखा है। मैं आपको भी ये डिटेल देता हूँ, उतार के एक जिल्द उतार लेते हैं तो आपको मज़ीद इसमें तफसील से मैं बता देता हूँ। ये तारीख़ इस्लाम है, ठीक है जी। इसके बाद तारीख मदीना तो दमिश्क है, तो एक सेकंड मैं ऊपर था। तारीख की, तारीख दमिश्क, तारीख मदीना तो दमिश्क, ये ऑथेंटिकेटेड, सबसे ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड किताबें मानी जाती हैं। और इसके बाद रसाइल के बाद लुगात एंड डिक्शनरी, ये मैं देख रहा हूँ। कुरान इंसाइक्लोपीडिया भी है जी, कुरान इंसाइक्लोपीडिया, ये तारुल कादरी साहब का काम है और बड़ा ही खूबसूरत काम उन्होंने किया है, और ख़ासकर जो हमारे जैसे नए बंदे हैं उनके लिए बड़ी आसानी है कि आपको जिस मौजू पे आप एक मौजू का एक लफ्ज़ की सिलेक्शन करते हैं, फिर उस पर जितनी भी कुरान पाक में आयतें नाजिल हुई हैं अल्लाह की तरफ से, वो सारी उन्होंने एक जगह पर यकजा कर दी। अच्छा माशाल्लाह, तो इसमें बड़ी आसानी होती है, खासकर जो बयान करने वाले हजरात हैं तो वो एक ही मौजू पे, आप जैसे नमाज है, नमाज के हवाले से कहाँ कहाँ हुक्म आया, कितनी आयतें हैं, तो वो सारी एक एक ही जगह पे उन्होंने इकट्ठी की, ठीक है जी। इसके अलावा मतलब आकाम के हवाले से है, तारीख के हवाले से, तो जितना मेरे लिए बताते खुद मैं इससे बड़ा इस्तेफादा करता हूँ कुरानी से। तारकादी साहब का एक मुनफरिद काम है और बहुत अच्छा काम है। तो ये आगे चलते हैं जी। अच्छा, ये दुरूद शरीफ का इंसाइक्लोपीडिया है जी, सीरत है और सीरत रसूल है प्रोफेसर तारुल कादरी साहब की। अच्छा, ये भी मेरे, वालेकुम सलाम, ये भी मुझे पहली दफ़ा ही पता लगा कि दुरूद पाक का भी कोई इंसाइक्लोपीडिया है।
ये इस वक्त हमारे पास इसकी 15 जिल्दें मौजूद हैं। अच्छा। और जिशान साहब अभी जिन्होंने ये काम किया है जी जी, वो अभी मज़ीद भी इस पर जो है ना, इसमें जो दो लोग हैं, एक जिशान अंजम कादरी साहब हैं और आफज इफ्तखार अहमद कादरी साहब। आफज इफ्तखार अहमद कादरी साहब जिनकी वो टूरिज्म पे किताबें आती हैं, टूरिज्म पे किताबें हैं और ज़ियारात पे तस्वीरों के साथ। ये हमारे किबला काई साहब के बड़े प्यारे दोस्त थे। अच्छा, और इनका एक मुनफरिद काम होता है, तो इनका काम जो है और काफी सारा इस्तफादा। नूरुद्दीन जंगी का मजार, माशाल्लाह, सुल्तान साहब का है और ये जिल्द 15 है। अच्छा, ये जो हाफिज इफ्तखार साहब हैं जी जी, इन्होंने जो दुरूद शरीफ के हवाले से जो इंसाइक्लोपीडिया लिखा गया जी जी, ये काम हुआ, इसमें तकरीबन पहली 5 जिल्दों में बकौल उनके इस लाइब्रेरी से उन्होंने मतलब जो है काफ़ी सारा मवाद जो है इस लाइब्रेरी से भी उन्होंने लिया। जी ये आप दे रहे हैं ताकि उनकी अगर कोई उनसे इस काम के वाले से कोई नहीं है, जबरदस्त काम है माशाल्लाह। अच्छा, इसमें उन्होंने दुरूद पाक जो जो उनको मिल सके वो सारे जमा किए हैं। और ये 15 जिल्दें टोटल दुरूद पाक की सिलेक्शन कलेक्शन है और अपने तर्ज का ये भी एक मुनफरिद काम है। हाँ, बिल्कुल। और ना सिर्फ इकट्ठा किया है बल्कि उनकी नफासत और मोहब्बत इस जगह से नज़र आती है कि उन्होंने किताब की प्रिंटिंग क्वालिटी आप कह लें, फिर इसको बाकायदा उन्होंने शीट लगा कर कवर भी किया, तो हर चीज़ के हवाले से उन्होंने गोल्ड और इंतहाई तमाम के साथ सब्ज रंग मोहब्बत के साथ उन्होंने ये तमाम किया ना। जिल्द अव्वल दोम है जी जी, तो ये बाकी जिल्दों की निस्बत मोटी भी हैं जी, और ये गोल्ड है और पिछ मेरे ख्याल से उनकी कोशिश जिल्द अव्वल और दोम तक की थी, लेकिन जो जो आगे वो चलता गया तो बरकत पड़ती गई, बरकत पड़ती गई माशाल्लाह। और ये मैं देख रहा हूँ मजमुआ सलावात और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ख्वाजा मोहम्मद अब्दुर्रहमान ख्वाजा मोहम्मद अब्दुर्रहमान, ये उनकी तसानीफ है। अच्छा, और ये भी बड़ा प्यारा काम है जी। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बाकी भी माशाल्लाह। तो माशाल्लाह जी, ये छोटा सा यहाँ आपसे आप ज़रा ऊपर से भी हम लाइब्रेरी का विज़िट आपको दिखा देते हैं, ओवरव्यू एक बेसिकली। अच्छा, यहाँ कोई विज़िट करने के लिए आना चाहे वीडियो देख के तो इजाज़त है? जी बिल्कुल, आप मेरा नंबर भी जी ठीक है वीडियो में दे दीजिएगा जी ठीक है, और कोई भी शख्स आना चाहे तो वैसे भी अगर वो फ़ोन करके आएगा तो इंशाल्लाह उसको बड़े अच्छे तरीके से एंटरटेन किया जाएगा, लेकिन अगर वो इतवार को आता है तो हमारे लिए आसानी होगी। हाँ, वही करना ताकि टाइमिंग पता हो ताकि आप एंटरटेन भी कर सकें। 9 बजे से ऑनवर्ड बेहतरीन दिन इतवार है, बेहतरीन दिन इतवार है, और 9 से कितने बजे तक? 9 से आप इशा तक, इशा तक किसी वक्त आ सके। ठीक है, लवली। तो माशाल्लाह, थोड़ा सा गर्मियों में थोड़ा लोड शेडिंग का इशू होता है, हाँ जी, दिन को अगर आए तो वो ज्यादा बेहतरीन है उनके लिए। हाँ बिल्कुल, ऐसे अगर लाइट नहीं होगी तो वो किताबों से मेरा ख्याल फायदा नहीं कर सकते। अंदर भी है काफी, तो आने जाने में भी काफी, रस्ते का भी है, तो उस तरह कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है। हाँ, डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ आने जाने, लेकिन चूंकि वो देहाती इलाका है तो लोग आते हुए थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील करते हैं, तो उस हवाले से बेहतर ये है की और अपनी गाड़ी हो तो बेहतर, अपनी गाड़ी हो और दिन को आए तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। बाकी रवाद से ये एग्जैक्टली 6 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर अंदर है, इट टेक्स 15 मिनट्स। अच्छा ठीक है, वो कोई इतना तो हजूर किबला का मजार पुरनवर भी इधर ही है करीब। जी बिल्कुल, आप अभी हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। हाँ, तो मजार की ज़ियारत भी करते हैं राइट साइड पे। जी जी, वहाँ पे भी आपको इंशाल्लाह ठीक है, लवली लवली लवली। फिर हम यहाँ से अभी मज़ार शरीफ की तरफ जाएंगे ताकि मज़ार पे हाज़िरी भी दे लें, साहिब मज़ार की खिदमत में हाज़िर भी हो जाएं। तो ये लाइब्रेरी का एक मुख्तसर तारुफ है जी, और फिर हम आपको मज़ार शरीफ पे लेके चलते हैं, वीडियो बना लें। दरबार शरीफ की तरफ जा रहे हैं, ये इलाका देख लें आप इर्द गिर्द का सारा। मौसम इस वक्त बादल है,
बारिश का लग रहा है मौसम। ये है जी, ये सामने दरबार शरीफ है, ये सामने है ना, ये दरबार शरीफ। अच्छा 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 ठीक चलें जी जनाब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये जी आता है दरबार शरीफ, ये कुआँ है और ये दरबार शरीफ है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुह। अच्छा ये दो कब्रें अनवर हैं, ये पहली वाली ये किसकी है? हसन साहब। अच्छा ये काजी हसन साहब की है कब्र अनवर, ये आप इसका देख लीजिए। आप और ये वाली जो कब्र अनवर है रईस अहमद, जिनकी लाइब्रेरी है जी जी। अच्छा और इनका आपस में क्या वालिद मोहतरम है और ये बेटा। अच्छा अच्छा माशाल्लाह 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 जी माशाल्लाह माशाल्लाह। हम जी ज़रा हाज़िरी दे लें, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। ये आपको गुम्मत का अंदरूनी हिस्सा दिखा देता हूँ, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। ठीक ये देखिए जी,